इस वक्त मैं झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में हूं और यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सीवर है, यहां का जो नाला गुजरता है उसकी सफाई की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी यहां खड़ी है, उससे सफाई हो रही है। देखिए ये कर्मचारी यहां पर सफाई कर रहे हैं। भैया आपका किट क्या हो गया आज? ये ऐसे आप खाली पता नहीं, ऐसे उतर गए नीचे? अभी उतरे कहां, यहीं पे खड़े थे। अच्छा, ये आप ऐसे हैं, आपका किट क्या हो गया? अंदर से आया भाई खोलने के लिए। ड्रेस व्रेस नहीं है कुछ भी है? जूते क्या हुए आपके? है सब है। हेलमेट क्या हुआ? सब है। कहाँ रखे हुए हैं? घर पे। अरे हम कहीं और से आए हैं उस्ताद, हम प्राइवेट वाले बड़े भाई। प्राइवेट वाले हैं। कितना पैसा देते हैं दिहाड़ी आपको? दिहाड़ी कितनी मिलती है? ठेके में ठेके, ठेका है हमारा इसका। ठेका आपका? हाँ। ये जो आप इसमें घुस रहे हैं, लगता नहीं कि ये खतरनाक है आपके लिए? आप तो ऐसे इसमें घुस रहे हैं, खतरनाक है ये? है, आपको तो पूरा सामान पहन के घुसना चाहिए ना। पूरा सामान पहन के क्यों नहीं घुसते अंदर? अंदर देखा आपने मेरे को? मैंने देखा ना। कहाँ था? यहाँ पर था। मैंने देखा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ये ऊपर ही खड़े थे बस, अंदर नहीं घुसते ऐसे हम। अब जान चली जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? अरे जाओ सर, आओ जाओ। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये तो आपकी सुविधा के लिए है ना, कि जल बोर्ड ने व्यवस्था दी है। आपके साथ सीनियर कौन है? तुम्हें यहाँ पर नहीं, कोई सीनियर भी नहीं है। सीनियर सीनियर उधर है, उधर। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, ये यहाँ पर इसकी सफाई के लिए आए। ये गहरा है, काफी गहरा है। हालांकि इनको पूरा किट पहनना चाहिए था, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन बगैर व्यवस्था के वो अंदर उतरे और देखिए भाग रहे हमारे सामने से। मैं पूछता हूँ ये कौन है, जरा जानने की कोशिश करते हैं आखिर बगैर किट के क्यों वो अंदर घुसा रहे थे जो कर्मचारी हैं। भाई साहब आप लोग ये काम करवा रहे हैं? आप ही लोग काम करवा रहे हैं? हाँ सभी करवा रहे हैं। आप इंडस्ट्री वाले हैं कि? हाँ ये बंद सारा सीवर बंद है ना। आप जल बोर्ड से हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो इंडस्ट्री वाले। जल बोर्ड? आप सर जल बोर्ड से हैं? हम जल बोर्ड से। नहीं नहीं नहीं, मैं मैट हूँ यहाँ पे। यहाँ पर ये लोग बगैर किट के लोग अंदर घुस के काम कर रहे हैं? ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। अच्छा, किनके लोग हैं ये? लोगों के लोग, प्राइवेट आदमी जो इन्होंने लगा के। हाँ जी, प्राइवेट बंदे जो इन्होंने लगा के फैक्ट्री वालों ने इनके। ये सफाई तो आप ही करवा रहे हो ना? नहीं नहीं, सफाई हम नहीं करा रहे। अच्छा, सफाई ये लोग करा रहे। अच्छा, हाँ जी। तो आपकी यहाँ क्या भूमिका है? ये एरिया मेरे पास पड़ता है, ये भाई ओवरहेंड है। अच्छा, हाँ। तो मतलब अगर किसी कोई इसमें किसी की जान चली जाए तो आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं नहीं, हम जिम्मेवार क्यों नहीं, हम जिम्मेवार होंगे। पहली बात तो हम घुसते नहीं अंदर, हम किसी का अपना आदमी नहीं बांटते इसके अंदर। हमारा कोई भी आदमी है तो हम यहाँ पे, ये दो आदमी है इसके। हम सर लाइन जो खोलते हैं ऊपर से लाइन खोलते हैं अंदर। तो प्राइवेट प्राइवेट वालों को अंदर जाते हो? अलाउड नहीं है। हमारा प्राइवेट वालों का मतलब ही नहीं होता। हमारा क्या मतलब है सर? जो काम कर रहे हैं वो कौन है? हम जानते ही नहीं उनको कौन है वो। आप लोग जानते नहीं? नहीं जी, वो अपनी मर्जी से घुस रहे, क्या कर रहे हैं हम तो क्या दे उनको। हम भी हम कंपनी से हैं, अनिल आर्यन पंप। आर्यन पंप जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह है। क्या जिम्मेदारी आपका? मेरे पास मैट की है, मैट की जिम्मेदारी है। लाइन जब चौक हो जाती है लाइन खुलवाना। डेजिग्नेशन क्या है आपका? मैं मैट हूँ। मैट हूँ। अच्छा, मैट। तो देख सकते हैं कि ये मैट है, इधर ये जो मशीन है उससे यहाँ पर कुछ सफाई की जा रही है। लेकिन उस तरफ ठीक सामने मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर बगैर किट के प्राइवेट मजदूर जो है वो अंदर घुसे थे। ऐसे ही प्राइवेट मजदूरों की अब तक दिल्ली में कई जगहों पर मौत हो चुकी है, लेकिन इस सब से भी दिल्ली जल बोर्ड ने कोई सबक नहीं लिया है। देखिए दिल्ली जल बोर्ड के तहत ही ये काम हो रहा है, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी है। यहाँ तक कि जल बोर्ड के कर्मचारी ये भी कहने से भी इनकार कर रहे हैं कि वो जो यहाँ काम कर रहा था उसका इनसे कोई लेना देना, यानी कि कह सकते हैं कि सब कुछ ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे आने के बाद कर्मचारी इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। जो जल बोर्ड के कर्मचारी हैं वो पीछे अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यही है कि सरकार उन्हें किट देने की बात कहती है, सरकार उन्हें सुविधाएं देने की बात कहती है, करोड़ों रुपए खर्च भी करती है, लेकिन असल में क्या वाकई उसका कोई असर हो रहा है? यहां पर अगर देखें तो एक बार फिर से मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, खासतौर से ठेकेदार के मजदूर हैं, वो यहां पर जान हथेली पर रखकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से कैमरा ललित के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।